In a step-up transformer, primary coil has 10 turns while secondary coil has 100 turns. ठीक हो गया, हमें NP भी पता है और NS भी पता है. अब बैटरी ऑफ EMF 4.5 वोल्ट इज कनेक्टेड टू द प्राइमरी ट्रांसफार्मर, द वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉयल विल बी. ठीक हो गया, तो वो कह रहे हैं कि वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉयल क्या होगी, यानी कि VS मांग रहा है. अब बहुत से लोग इसमें गलती करेंगे, वो क्या करेंगे, वो VS बाई VP इक्वल टू NS बाई NP रखेंगे. ठीक है, और वो कह रहे हैं कि ये वो हमसे मांग रहा है, ठीक है, ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, तो वैल्यूज़ वो प्लग इन करेंगे तो वो निकालेंगे 100 बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 4.5. ठीक है, तो उनका आंसर आ जाएगा 45 वोल्ट, जो कि अल्फा में, सॉरी बीटा में मौजूद है, जो कि गलत आंसर है. क्यों, यहाँ पे गौर करो, उसने कहा कि बैटरी की ईएमएफ है. तो बैटरी हमारे पास क्या होता है, एसी सोर्स होता है, डीसी सोर्स होता है. ये बेसिकली हमारे पास एक डीसी सोर्स है. ठीक है, तो डीसी सोर्स की जो हमारे पास अगर ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्टेड है, तो वो किसी किस्म की इंडक्शन करेगा ही नहीं. तो सेकेंडरी कॉइल में जो हमारे पास इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा, वो हमारे पास जीरो होगा. तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर था.